A very good morning, my dear students. I hope you all are fine. Students, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय कारक के बारे में जानेंगे. इसके अंतर्गत हम कारक क्या है, कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. बच्चों, वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका वाक्य की क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है. कोई संज्ञा उस क्रिया को पूरा करने का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरे होने में साधन का कार्य करती है, तो कोई संज्ञा उस क्रिया के घटित होने का आधार बनती है. एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए. बच्चे ने बोतल से दूध पिया, इस वाक्य की क्रिया है पीना. इसको पूरा करने में तीन संज्ञाएं, बच्चा, बोतल तथा दूध, अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं. पीने का काम करने वाली संज्ञा है बच्चा, पिए जाने वाली वस्तु है दूध तथा दूध पिए जाने का साधन है बोतल. कहने का तात्पर्य यही है कि पीना क्रिया के साथ वाक्य की तीनों संज्ञाएं किसी ना किसी संबंध से जुड़ी हुई हैं. व्याकरण में इसी संबंध को कारक कहते हैं. अब प्रश्न उठता है कि वाक्य की संज्ञाओं और क्रिया के बीच के इस संबंध को कैसे पहचाना जाए. वास्तव में हर भाषा इस संबंध को अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है. हिंदी में इस संबंध को परसर्गो यानी कि ने, से, को, पर आदि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है. अतः परसर्गो को कारकीय चिन्ह भी कहते हैं. आइए अब देखते हैं कारक की परिभाषा. किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं. कारक के आठ भेद होते हैं. पहला होता है कर्ता कारक. कारक के भेदों के साथ उनके चिन्ह भी होते हैं. पहला हमारा है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने. दूसरा कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को. तीसरा करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा. चौथा है हमारा संप्रदान, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए. पांचवा अपादान, अपादान का कारक चिन्ह है से. लेकिन ये से जो है वो जब जब कोई चीज अलग होती है, अलग होने के अर्थ में इस से का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद है संबंध, जिसका चिन्ह होता है का की के, ना नी ने, रा री रे. फिर है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में और पर. इसके बाद है लास्ट में संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे, ओ, अरे. तो आज अपने इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कारक के इन चार भेद, स्टार्टिंग के चार भेद ही समझाऊंगी. सेकेंड वीडियो में लास्ट के चार भेद के बारे में बताऊंगी. तो आइए देखते हैं पहले कर्ता कारक. कर्ता का अर्थ होता है जो किसी कार्य को करने वाला होता है, यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है. कर्ता जो है वो संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी, जैसे नेहा ने खाना खाया. सेकेंड एग्जाम्पल, उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया. थर्ड एग्जाम्पल, राहुल ने सामान निकाला. फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो नेहा ने खाना खाया, यहाँ पर खाना खाने का जो कार्य है वो नेहा के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए नेहा यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक. उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया. उन्होंने
यहाँ पर सर्वनाम है, तो यहाँ पर उनके द्वारा काम पूरा किए जाने का संकेत मिल रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या है हमारा कर्ता कारक। तीसरा है राहुल ने सामान निकाला, राहुल के द्वारा सामान निकाले जाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए राहुल यहाँ पर कर्ता कारक है। दूसरा आप चिन्ह पे ध्यान दो, कर्ता का चिन्ह है ने, नेहा ने खाना खाया, यानी कि कर्ता ने खाना खाया। एक बात और आप नोट कीजिएगा बेटा कि इसमें क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि कारक चिन्ह आए, कर्ता कारक में कारक चिन्ह कभी कभी कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है, यानी कि कारक चिन्ह नहीं भी होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि आप देखिए कि उसमें कार्य क्या हो रहा है। जैसे कि राम कपड़े धोता है, राम कपड़े धोता है, अब यहाँ पे कपड़े धोने का काम चूंकि राम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राम यहाँ पर कर्ता कारक है। इसमें आपको कर्ता कारक का चिन्ह जो कि ने है वो नहीं दिखाई दे रहा है। राम ने राम कपड़े धोता है, आपने देखा इसमें ने नहीं आ रहा है, लेकिन हमें सेंटेंस पढ़कर, सेंटेंस सुनकर, वाक्यों को सुनकर समझ में आ रहा है कि कपड़े धोने का कार्य चूंकि राम कर रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी कि जो क्रिया हो रही है उसका फल अगर कर्ता पर ना पड़कर किसी दूसरे पे पड़ रहा है तो उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म जो है वो संज्ञा व सर्वनाम दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए अध्यापक छात्र को पीटता है, यहाँ पर जो पीटने की क्रिया हो रही है उसका इफेक्ट छात्र अध्यापक पर नहीं बल्कि छात्र पर पड़ रहा है, तो छात्र क्या है यहाँ पर कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर मारने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है रावण पे, तो रावण यहाँ पर क्या है कर्म कारक। मोहन ने श्याम को बुलाया, यहाँ पर बुलाने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, बुलाने का फल जो है वो किस पे पड़ रहा है श्याम पर, तो ये क्या है हमारा कर्म कारक। आप ऐसे देखिए अध्यापक छात्र को पीटता है, कर्ता कर्म को पीटता है। राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को मारा। मोहन ने श्याम को बुलाया, कर्ता ने कर्म को बुलाया, तो ये क्या है हमारा कर्म कारक। थर्ड है हमारा करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने के साधन का, यानी क्रिया किस साधन के द्वारा किया गया या किस साधन द्वारा संपादित हुआ, इसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चे गेंद से खेलते हैं, खेलना पता है आपको कि क्रिया है, अब वो बच्चे खेलना क्रिया है, अब वो किस साधन से बच्चे खेल रहे हैं गेंद से, तो गेंद यहाँ पे क्या है करण कारक। रोहन कलम से पत्र लिखता है, लिखना क्रिया है, पत्र लिखा जा रहा है और किस साधन से लिखा जा रहा है कलम से, तो ये क्या है हमारा करण कारक। माता जी साबुन से कपड़े धोती हैं, धोना आपको पता है जैसा कि क्रिया है, और कपड़े किस साधन से धुले जा रहे हैं साबुन से, तो करण कारक में क्या होता है जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वो किस साधन के द्वारा संपादित हो रही है, संपादित हुई, उसे हम करण कारक कहते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। फोर्थ है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है को या फिर के लिए। संप्रदान का जो तात्पर्य है, संप्रदान का जो अर्थ है वो होता है देना या प्रदान करना। कर्ता जो है जिसके लिए
कुछ कार्य करता है या देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, पापा को खाना दे दो, यहाँ पर पापा को खाना देने का कार्य, खाना देने का जो है कार्य करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। बहन भाई के लिए राखी लाई है, यहाँ पर बहन के द्वारा राखी जो है भाई के लिए लाई गई है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। रोहन ने प्रिंस को पुस्तक दी, तो यहाँ पर रोहन जो है प्रिंस को पुस्तक देने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। कहने का तात्पर्य है कि संप्रदान का अर्थ, बस आप इतना ध्यान रखो, इसका अर्थ होता है देना या प्रदान करना। जहाँ पर किसी को कुछ देने का भाव आए, किसी के लिए कुछ करने का भाव आए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि रोगी को दवाई दो, मछलियों को दाना दो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं ये चार कारक ही आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट के चार कारक संप्रदान, लास्ट के चार कारक जो है हम संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।